Hey what's up guys, welcome back again with new video. एंड गाइज इस वीडियो में बताने लगे कैसे आप अपने फोटो में सेम कलर फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हो जो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है और इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हो काफ़ी यार ऑसम दिख रहा है इसलिए। और सेम कलर फ्लेक्स ऐड कर सकते हो आप अपनी फोटो में गैस, ठीक है। और ये फोटो पहले कैसे थी मैं आपको दिखा दूँ, तो पहले ही फोटो ऐसी थी एंड लाइट रूम एप्लीकेशन में जाकर ये फोटो बन चुकी है ऐसी जो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है। और गाइज़ अगर आप सेम एज इट इज़ ऐसी करना चाहते हो अपनी खुद की फोटो को एडिट, तो उसके लिए क्या करना, सिंपली आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना प्लीज। एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में घंटी का निशान दिख रहा है उसको भी क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको एक कमेंट कर देना है ऑसम नाइस या अपना खुद का नाम। ऑलराइट सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक फोटो ले ली गई है, इस फोटो में आपको दिखाऊंगा एडिट करेगा इस, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस फोटो को सबसे पहले सेंड करना है अपनी लाइट रूम की एप्लीकेशन के अंदर। तो ऐड टू अलार्म कर लिया मैंने लाइट रूम की एप्लीकेशन के अंदर, इस फोटो को सेंड कर लिया तो मैंने सेंड कर लेता हूँ इस, ठीक है। ये सेंड हो चुकी है लाइट की एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ से मैं लाइट रूम की एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा। तो यहाँ से मैं लाइट रूम की एप्लीकेशन ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर फोन थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ और उसके बाद हम ऑल फोटोज़ के अंदर जाना है यहाँ पर। और ये फोटो आ चुकी है, यहाँ पर फोटो आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे लाइट का, खैर ठीक है, लाइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना लगा था, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर लीजिए। कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे आपको इस कलर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से जो वाइब्रेंस है वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए। वाइब्रेंस इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे ऊपर मिक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड जो कलर दिख रहा है ऑरेंज कलर, इस पर क्लिक करना है एंड इसका सैचुरेशन हल्का सा माइनस करना है, ठीक है। एंड लूमिनस इंक्रीज़ करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस येलो कलर के ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। एंड ह्यू को एकदम माइनस एंड सैचुरेशन को एकदम प्लस, और उसके बाद आपको ग्रीन कलर पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसका भी ह्यू एकदम माइनस करना है इतना, ठीक है, 50 के आसपास एंड यहाँ पे सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना है। सैचुरेशन को आपको 50 के आसपास प्लस में रखना है, ठीक है। यानी कि ह्यू एकदम माइनस एंड सैचुरेशन प्लस, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ह्यू को एकदम माइनस कर लेना है, ठीक है। एंड सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है, 50 के आसपास। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, डन पे क्लिक करना है और इस फोटो को सबसे पहले आपको सेव करना है, ठीक है। तो इस शेयर वाला ऑप्शन क्लिक करके फोटो को सेव कर लीजिए और उसके बाद एक काम और करना है, ठीक है। तो उस फोटो सेव करने के बाद फोटो सेव हो चुकी है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको इस फोटो को डिलीट करना है इस लाइट रूम की एप्लीकेशन के अंदर, तो फोटो पे टैप करना है इस तरीके से और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर लीजिए, फोटो डिलीट हो जाएगी आपके लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर से डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको इस प्लस वाला आइकन क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको फिर से उस फोटो सेलेक्ट करना है जो अभी आपने डिलीट करी थी, ठीक है। तो गैलरी ओपन हो चुकी है, यहाँ से उस फोटो को फिर सेलेक्ट कर लीजिए, फोटो सेलेक्ट कर ली, ऐड पर क्लिक कर लेना गाइस आपको। ऐड पर क्लिक करने के बाद गाइस, ठीक है, तो ये देख लीजिए फोटो आ चुकी दोबारा से। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस प्रीसेट को डाउनलोड करना है, ठीक है। इस प्रीसेट का जो लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ से इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस प्रीसेट को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रीसेट को ऐड करना है अपनी लाइट रूम की एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस प्रीसेट को ऐड कर रखा है, तो प्रीसेट को ऐड कर लीजिए। तो प्रीसेट को ऐड करने के बाद आपको इसकी कॉपी सेटिंग करनी है, थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिए, ऊपर की साइड कॉपी सेटिंग करोगे एंड टिक पे क्लिक करना है और इस प्रीसेट की सेटिंग कॉपी हो जाएगी एंड पैक करो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी खुद की फोटो को लेना है इस तरीके से एंड थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, पे सेटिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए फोटो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो गाइस फोटो सेव कर लीजिए, फिर शेयर ऑप्शन में क्लिक करके शिफ्ट डिवाइस एंड गाइस आपकी फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर उसमें लाइक करो, शेयर करो और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली से इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके हाथ रहा जो कहने की हेल्पफुल होती है। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो से, तब के लिए स्टे ट्यून विथ निक टेक्निकल।